धातु और अधातु, धातु और अधातु के बारे में कल हमने पढ़ा था। धातु और अधातु के भौतिक गुणों दोनों में अंतर देखा था। धातुएं कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं, और जबकि अधातुएं कैसी होती हैं, उनके भौतिक गुण में वह थोड़ी नरम मुलायम होती है और चमकदार नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा था इनमें तन्यता का गुण होता है, धातुओं में तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। वो कैसे हो जाती है, भंगुर हो जाती है। जैसे कि हम पीटते हैं कोयले को पीटते हैं तो कोयला क्या है, एक अधातु है, उसको पीटते हैं तो वो क्या होता है, भंगुर हो जाता है, छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जबकि हम लोहे की कील को अगर पीटते हैं तो वह कैसी होती है, लंबी होती जाती है, परंतु वह क्या होती है, भंगुर नहीं होती है। तो उसमें क्या हो गया, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर हमने एक पढ़ा था गुण तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्य होती है अर्थात उनको खींच करके उनके तार बनाए जा सकते हैं, अधातुओं के हम तार नहीं बना सकते हैं। और धातुओं में ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है, वह क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी धातुओं को हम टकराएंगे तो आपस में टकराएंगे या सिक्के को जमीन में गिरेंगे तो उसमें क्या होती है, आवाज़ होती है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। आप घर पर इसका प्रयोग भी करके देख सकते हो, एक सिक्के को गिरा करके देख सकते हो और एक लकड़ी के टुकड़े को, तो आवाज़ किसमें होगी, धातु के सिक्के में। ऐसे और कई उदाहरण हैं जो कि आप घर पर प्रयोग करके देख सकते हो। धातुएँ क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है, और धातुएँ क्या होती हैं, चालक होती है। अब हम रासायनिक गुणों के बारे में भी हमने पढ़ा था, आज उनका अंतर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी कोई भी धातु तो वो उसका ऑक्साइड बनाएगी। जैसे आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। जब हम इसकी प्रकृति देखेंगे, इसमें नीला लिटमस पेपर डाल करके देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस डाल के देखेंगे तो वहाँ नीला हो जाता है। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड, ये भी अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, परंतु इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है इनकी अम्लीय, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है और इन धातुओं की क्षारीय होती है। ये याद रखना, इनकी क्षारीय होती है और इनकी अम्लीय होती है, परंतु बनाती दोनों ऑक्साइड हैं। अब जल से अभिक्रिया करके धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, जबकि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे फास्फोरस को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस को अधातु है, उसको हम पानी के अंदर रखते हैं, जिससे वह क्या करता है, वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। अम्लों से अभिक्रिया, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुएं क्या करती हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जबकि अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं क्या होती है, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। इसमें अगर हम अम्ल के साथ में अधातुओं की प्रतिक्रिया करवाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करेंगी। अब है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो अधिक्रियाशील वस्तु होती है वह कम क्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। अर्थात जो अधिक्रियाशील वस्तु होती है वह कम क्रियाशील वस्तु को विस्थापित कर देती है, अर्थात अलग कर देती है। जैसे हम लेंगे कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की हम आयरन से अभिक्रिया करवाएंगे अर्थात लोहे से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, अर्थात ये सल्फेट, फेरिक सल्फेट बनाता है। तो ये क्या बनाता है, लोहे से अभिक्रिया करके सल्फेट बना देगा और क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, अर्थात कॉपर अलग हो जाएगा इसमें से। और जब हम इसकी प्रतिक्रिया उल्टी करवाएंगे, मतलब फेरिक इसकी FeSO4 की प्रतिक्रिया कॉपर से करवाएंगे तो इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर क्या है, कम क्रिया अभिक्रियाशील है।
कॉपर कम क्रियाशील है और फेरिक क्या है आयरन क्या है अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए ये क्या होता है विस्थापित कर सकते हैं कम क्रियाशील वस्तुओं को। अब धातु और अधातु के उपयोग, धातु और अधातु के उपयोग आपने देखा होगा, धातुओं से कई वस्तुएं बनी हुई आपने अपने आसपास देखे होंगे, लोहे के दरवाजे देखे होंगे, मोटर गाड़ियां, ये सब में क्या काम में लिया जाता है धातु काम में ली जाती है। वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, वायुयान बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में, उपग्रह बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो भी बर्तन होते हैं वो बर्तन किसके बने हुए होते हैं धातुओं के बने हुए होते हैं। तो धातुओं का उपयोग किसमें, मोटर गाड़ियों में, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह व खाना बनाने के पात्र में उपयोग में करते हैं। जबकि अधातु का उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग उर्वरकों में, उर्वरक में जब हम खाद डालते हैं पौधों की वृद्धि के लिए खाद डालते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जल को जल शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अधातु का उपयोग किया किसमें किया जाता है, उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए और जल को शुद्ध करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो कल हमने भौतिक गुण पढ़े थे, आज रासायनिक गुण दोनों का अंतर पढ़ा था, ये आपको कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।